और डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज ही के दिन 1919 में विश्व प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा का जन्म। भारत के मशहूर पेंटर राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स को पूरी दुनिया में लोकप्रियता मिली। उन्होंने भारत के देवी देवताओं और महाभारत और रामायण के पात्रों को अपनी कल्पना के जरिए चेहरे दिए। उनके द्वारा बनाई हुई पौराणिक पात्रों की पेंटिंग्स को आज भी एक क्रांतिकारी काम माना जाता है। आप अपने घरों में देवी देवताओं की जो तस्वीरें लगाकर रखते हैं, उन चेहरों की रचना राजा रवि वर्मा ने ही की थी। 1945 में आज ही के दिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से बर्लिन के एक बंकर में शादी कर ली थी। इस बंकर का नाम था फोरेर बंकर। आप सोच रहे होंगे कि हिटलर ने बंकर में शादी क्यों की। इसकी वजह यह है कि उन दिनों हिटलर बंकर में छिपकर रहता था, क्योंकि विश्व युद्ध में जर्मनी बहुत कमजोर हो गया था और किसी भी समय उसकी हार हो सकती थी। और बाद में ऐसा ही हुआ और हालत यहां तक पहुंच गई कि हिटलर को उसी बंकर में बाद में आत्महत्या करनी पड़ी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब वीकेंड इंटरवल का वक्त हो गया है, इसलिए हम आपके सुखी और सुरक्षित वीकेंड की कामना करते हैं। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।